आज हम लोग डिटरमिनेंट के क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना शुरू करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3, 235, 235, 789, 65, 75, 86, इतना इक्वल टू हमको 0 प्रूव करना है, ये प्रूव दैट। तो चलिए अब हम लिखते हैं LHS। तो इसमें क्या करना है कि हम यहाँ लिखते हैं LHS के लिए, ये हो गया R1, ये C1, C2, C3। तो लिखेंगे हम C3 पर, और C3 माइनस C1 माने कॉलम 3 से कॉलम 1 को घटाएंगे, मतलब 1 और 2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले 1 2 को लिख दीजिए। तो देखिए ये हो गया 2 3 5, ये हो गया 7 8 9। अब यहाँ 65 में जाएगा 2, तो 63। अब 75 में गया 3, 72, 86 में गया 5, 81। अब हम लोग इसको जो है आगे सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, यहां से C3 से हम कॉमन ले लेते हैं, C3 से कॉमन ले लेते हैं 9। तो 9 कॉमन लेंगे C3 से। तो यहां देखिए, यहां होगा ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 9 है। और यहां से 9, तो 9 7 63, 7 9 8 72 8 9 9 81 9। तो आप देखते हैं कि यहां पर जो ये दोनों आइडेंटिकल है, मतलब कि ये जो C2 और C3 बराबर है। और हम लोग पढ़े हैं कि दो डिटरमिनेंट का कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ हो जाएगा 9 × 0 = 0, एंड दैट इज RHS। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो 4 में दिया हुआ है 1 1 1, फिर है BC BC CA, और ये हो गया AB। यहां है A × B + C और B × C + A, और ये हो गया C × A + B। इतना इक्वल टू हमको 0 लाना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो LHS, तो सबसे पहले हम लोग इसको सही कर लेते हैं। 1 1 ये हो गया, ये हो गया BC, ये हो गया CA, ये हो गया AB। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये AB प्लस AC, ये हो जाएगा BC प्लस AB, इससे करेंगे तो हो जाएगा CA, इससे करेंगे तो हो जाएगा BC। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं कि ये जो है हमारा ये C3 है, तो लिखेंगे C3 पर, ये C का एरो दे दिए, और यहाँ पर C3 प्लस C2, C3 में C2 को जोड़ रहे हैं। तो अब हमारा जो LHS है वो इस प्रकार होगा, 1 1 1 हो गया, यहाँ है BC CA, ये हो गया AB। तो अब जब हम इसमें इसको जोड़ेंगे तो देखिए BC AB AC, इस प्रकार ये फाइनली हो जाएगा AB + BC + CA। इसमें भी यही बात हो जाएगा AB + BC + CA, यहां भी हो जाएगा
ए बी और प्लस बी सी या प्लस सी ए, ये एक डिटरमिनेंट हुआ। अब हमको इसमें से क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे ए बी सी, ए बी सी कॉमन लेंगे सी थ्री से, मतलब तीसरा कॉलम से हम लोग ए बी सी कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए जब कॉमन लीजिएगा तो हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहां पर जो डिटरमिनेंट बनेगा वो यहां हो गया वन वन वन, ये हो गया बी सी, ये हो गया सी ए, ये हो गया ए बी। जब सब कॉमन चला गया है बचा वन वन। अब आप इसको देखिए इस प्रकार से, ये हो गया ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। तो यहां देखिए दो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल हो गए दोनों। तो इसलिए हम लोग सीखे हैं कि जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, आपस में बराबर हो, तो उसका वैल्यू जीरो होता है। इसका वैल्यू जो है ना जीरो हो गया डिटरमिनेंट का, तो जो फाइनली आंसर हो गया वो हो गया फाइनली हो गया जीरो इक्वल टू आर एच एस। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन और चार कंप्लीट कर लिए। अब आप लोग लिख लीजिए, तो चलिए लिख लिए होंगे, हम इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। तो देखिए फाइव क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव है बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी, ये है क्यू प्लस आर और ये है आर प्लस पी और ये है पी प्लस क्यू। अगला है y प्लस जेड, ये है z प्लस x और ये है x प्लस y। इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो हमको लाना है, इक्वल टू प्रूव करना है टू, यहां है a b c, ये है p q r और ये है x y और z। तो हमको क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए इतना जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू है टू इंटू इतना प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस को लेकर के प्रोसीड करते हैं। तो एलएचएस पर हम लोग क्या करते हैं कि देखिए एलएचएस यहां लिख है, तो हम लोग सबको ये यहां पर ए बी सी ए बी को यहां जोड़ देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं आर वन, यहां पर लिखना है इस प्रकार से R1 पर लिखेंगे R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो देखिए क्या आता है, जो डिटरमिनेंट प्राप्त होता है वो होता है, देखिए यहां पर बच्चों ध्यान से समझेंगे, इसको जोड़ेंगे ए बी ए सी या बी सी, यहां पर B2 A2 और C2। तो हम ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 इंटू ए बी ए 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसी प्रकार का हो जाएगा कि 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, यहां हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अब हम यहां जो बाकी तो सेम रहेगा तो सी प्लस ए ए प्लस बी, यहां हो गया आर प्लस पी और ये हो गया पी प्लस क्यू और यहां हो गया जेड प्लस एक्स और यहां हो गया एक्स प्लस वाई। अब देखिए इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं, तो दो कॉमन ले लिए, तो दो कॉमन लीजिएगा ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहां हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, यहां हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहां हो गया सी प्लस ए, यहां हो गया ए प्लस बी
यहां हो गया आर प्लस पी, यहां हो गया पी प्लस क्यू, यहां हो गया जेड प्लस एक्स, यहां हो गया एक्स प्लस वाई। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको कि ऐसा करते हैं, यहां पर हमको फर्स्ट रो में चाहिए ई, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग आर वन पर लिखेंगे, लिखेंगे आर वन पक्का है, तो आर वन पर क्या लिखेंगे, तो आर टू प्लस आर थ्री माइनस आर वन। यहां जब देखिए अब यहां पर जोड़ेंगे टू ए बी सी, टू ए बी सी में बी प्लस ए में से हम ए बी सी घटाएंगे, तो एक ए बी और सी चला गया, तो फाइनल बचेगा यहां पर ए। इसी तरह से हम लोग जब यहां इन दोनों को जोड़ के इसको इसको घटाएंगे तो यहां पे हमको बच जाएगा ये ए बचा, ये बच जाएगा पी, और यहां पर जब इन दोनों को जोड़ करके इसको घटाएंगे तो यहां बच जाएगा हमारा, देखिए दो एक्स हो गया, दो एक्स बच गया। और इसी प्रकार से यहां रह गया बाकी में सी ए और ए प्लस बी, नहीं भी ब्रैकेट दे सकते हैं, और यहां बच गया आर प्लस पी और पी प्लस क्यू, यहां बच गया हमारा जेड प्लस एक्स, यहां हो गया एक्स प्लस वाई। तो अब हम लोग ये काम कर लिए, अब इसको आगे हम इस प्रकार से प्रोसीड करते हैं कि यहां जो है आर वन हो गया आर टू पर लिखेंगे, आर टू पर लिखेंगे, और आर टू पर लिखने के लिए देखिए हम लोग एक काम ये भी कर सकते थे कि इस काम को यहीं पर कर सकते थे, यहां पर क्या करते थे जिस तरह से आर वन हुआ आर टू पर लिखने के लिए क्या करते हैं कि यहां हो गया आर वन माइनस आर टू, तो ए बी सी में से सी ए घटाते तो यहां हमको एक लाइन में हो जाएगा, यहां बच जाता बी और यहां बच जाता हमारा क्यू। देखिए इन दोनों को इसमें से घटाएंगे आर पी आर और पी पी आर और पी, तो क्यू बच जाएगा और यहां जो है हमारा वाई बच जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहां पर भी यही काम कर लेते कि आर थ्री पर लिखते और आर थ्री और आर वन में से घटा देते हैं, आर वन में से घटाइएगा एक्स वाई जेड में से एक्स जेड एक्स, ये हो गया जेड एक्स तो बच जाएगा वाई, वाई बच गया। अब हम लोग नीचे वाला जो है यहां देखिए आर थ्री पर लिखेंगे, आर थ्री में आर वन में आर थ्री घटाएंगे ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी घटाएंगे तो बच जाएगा सी, इस प्रकार से यहां बच जाएगा हमारा कितना पी प्लस क्यू प्लस आर में से घटाएंगे पी प्लस क्यू बच जाएगा, और यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से घटाएंगे एक्स प्लस वाई बच जाएगा जेड, और बाहर में दो देखिए यहां पर दिया हुआ है, तो ये हमारा फाइनल ये हो गया आर एच एस पांच नंबर। अब हम लोग छह नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखिए छह नंबर क्वेश्चन नंबर छह दिया हुआ है, ये जीरो छह नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जीरो है, ये ए है और ये माइनस बी है, ये इसके बाद है माइनस ए और ये जीरो और माइनस सी, और ये हो गया बी और ये सी और ये हो गया जीरो, इतना बराबर हमको आगे जीरो लाना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि माइनस ए है इसमें है बी, तो हम ऐसा करते हैं कि आर टू पर लिखेंगे और इसमें बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी आर टू। अब हम आर थ्री पर लिखेंगे और यहां कर देते हैं कि ए आर थ्री, तो इस प्रकार से जो हमारा आएगा आप प्रूफ करना है तो देखिए, अब हम लोग उसके पहले इतना बिता लीजिए फिर जरा आगे बढ़ते हैं।
लिख लीजिए, लिख लिए होंगे इसको। अब हम आगे बढ़ा देते हैं। यहां देखिए, यहां था जीरो ए माइनस बी, माइनस ए था बी से मल्टीप्लाई किए, तो बी यहां जीरो और यहां हम मल्टीप्लाई किए हैं बी से, माइनस बी से, अब यहां मल्टीप्लाई किए हैं ए से, तो ए बी यही हो गया ए सी, ये हो गया जीरो। अब देखिए, अब हम लोग इसमें क्या करें, तो इस प्रकार से अब जब हम ऐसा करते हैं यहां कि R1 R2 पर लिखेंगे और यहां R2 प्लस R3 कर देते हैं, तो R2 प्लस R3 कर देंगे। और एक बात और ध्यान रखना है बच्चों को कि यदि हम इसमें a से मल्टीप्लाई किए तो मैनेज करने के लिए बाहर में a से डिवाइड करना हो, और यहां जब हम पहला वाले में b से किए हैं तो b से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें a से मल्टीप्लाई किए हैं तो a से डिवाइड, मतलब ये जितना से बाहरी नंबर थे इसमें मल्टीप्लाई किए से डिवाइड कर दिए, b से मल्टीप्लाई किए तभी से डिवाइड कर दिए। अब हम यहां जो हमारा आएगा इस प्रकार से होगा, तो देखिए यहां जो हमारा फाइनल होगा 1 बाय ए बी, और ये हो गया 0 ए ए माइनस बी, आप दोनों को जोड़ेंगे तो 0 यहां हो जाएगा ए सी और यहां हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ लिए। देखिए आर टू आर थ्री को जोड़ करके यहां लिख दिए, तो 0 ये सी, ये हो गया माइनस बी सी। अब हमारा यहां जो है हो गया ए बी, यहां हो गया ए सी और यहां है जीरो। तो अब देखिए, अब हमको वन बाई ए बी पहले से है, अब जब हम इसको फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इसको ये जिसको जिसको हम सोल्व करते हैं वो पूरा बन रहता है, ये बन और ये बन, तो क्या बच जाएगा, तो इस प्रकार से हम बच जाएगा। देखिए ये बन पूरा और ये बन, तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी सी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना को लेके चलना है हमको, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी सी। तो ये जो हमारा है ये कट गया और फाइनल हो गया वन बाई ए बी इंटू जीरो, तो फाइनल आ गया जीरो इक्वल टू हो गया आर एच एस। तो इस प्रकार से हम लोग 6 कंप्लीट कर लिए। अब आप लोग इसको लिख लिए होंगे, ये निकाल देते हैं। ये भी हो गया होगा, इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। 6 तक कंप्लीट किए, अब हम लोग क्वेश्चन 7 देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इस प्रकार है, माइनस ए स्क्वायर ए बी और है ए सी, ए बी है फिर माइनस बी स्क्वायर है और ये है बी सी, अब है सी ए, ये है बी सी और ये है माइनस सी स्क्वायर। ये एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू हमको लाना है 4a² b² c², ये भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसका हम लोग एलएचएस देखते हैं, तो देखने से लग रहा है कि
कि पहला सब रो में कॉमन है तो ए कॉमन ले लिया, दूसरा सारे रो में बी है तो बी कॉमन ले लिया, तीसरा सारे रो में सी कॉमन है सी कॉमन ले लिया। इस प्रकार आगे बचा कौन, माइनस ए बी और ये बचा सी, इसमें से कॉमन लिया है बी तो बचा माइनस ये ए माइनस बी और यहां बचा सी, इसमें से कॉमन लिया है सी तो बचा ए बी और यहां बचा माइनस ए। अब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अब इधर से भी हमें कॉलम कॉलम वन से ए मिल रहा है, कॉलम बी से बी मिल रहा है, कॉलम थ्री से सी मिल रहा है, तो फिर ए कॉमन लिया, इस प्रकार हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए बचा माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि आर वन पर लिखते हैं, देखिए आर वन पर हम लोग लिखेंगे आर वन और प्लस आर टू कर देते हैं, तो देखते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और जब हम जोड़ेंगे इन दोनों को तो ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो और ये हो गया टू, और बाकी को छोड़ देते हैं ऐसे वन माइनस वन 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 माइनस वन। अब जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये वन और ये वन, तो फाइनल बच जाएगा ये इतना, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वन और यहाँ हो जाएगा ये हो गया वन, किसके अनुसार सोल्व किसके अनुसार सोल्व किया, ये पूरा वन और ये पूरा वन, तो ये हो जाएगा वन और ये वन, लगता है कहीं इसमें हल्का मिस्टेक हुआ, उसको एक बार हम देख लेते हैं। हाँ सॉरी, जब हम लोग इसके अनुसार किए तो दो बार में रहेगा ठीक है, तो वन आई ए प्लस वन, तो ये हो गया फाइनल आपका वन वन टू 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 जा फोर, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस, ये हमारा कंप्लीट हुआ सेवन। अब हम देखते हैं एट नंबर क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो एट है इसका, तो एट में है वन 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 ए बी सी ए बी और सी, फिर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इतना का जो इक्वल है ये प्रूव करना है ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये भी क्वेश्चन जो है वो प्रूव करने वाला है, तो देखिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये हो गया कॉलम देख रहे हैं इस सब में वन है, तो यदि वन इस वन में घटाएंगे जीरो मिल जाएगा, इसमें घटाएंगे जीरो मिल जाएगा, तो हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि किसी रो कॉलम में जीरो हमको मिल जाए, तो यहाँ लिखते हैं कि हम C1 पर लिखेंगे और C1 माइनस C2, फिर C2 पर लिखेंगे और C2 माइनस C3, तो देखिए 1 में गया 1 जीरो, A में गया B ये माइनस B, यहाँ हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसी प्रकार से यहाँ जीरो यहाँ हो गया B माइनस C, यहाँ हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और जो बाकी बचा हुआ है उसको सेम लिख दीजिए, तो वन सी और ये हो गया सी स्क्वायर। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हो गया इसमें देखिए जीरो जीरो वन, यहाँ हो गया ए माइनस बी बी माइनस सी ये हो गया सी, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी से गुणा होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ लिख देंगे बी माइनस सी आई इंटू बी प्लस सी और यहाँ हो गया ये सी स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि यहाँ से इसमें से हम फर्स्ट में से ए माइनस बी कॉलम ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, इसमें से बी माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है देखिए जीरो जीरो वन, यहाँ बचता है वन वन सी, और यहाँ जो हमारा बचता है तो इसमें ए माइनस बी लिए तो बच गया ए प्लस
बी, बी माइनस सी कॉमन लिए तो बी प्लस सी बच गया, यहां सी स्क्वायर बच गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा ए बच गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये जीरो जीरो वन, और हमारा यहां बच गया वन वन सी। और तो इसमें ऐसा कर देते हैं, इलियन कर सकते हैं इसको, कि इस फर्स्ट कॉलम के ऊपर हम सोल्व कर देते हैं, सोल्व करेंगे तो ये रूप बन रहा है, ये कॉलम बन, इतना बच गया जिसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए सोल्व कर देते हैं, इसमें एक करेंगे तो बी प्लस सी, और इसमें एक हटाएंगे तो हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, ये हटा देते हैं तो फाइनल आ गया हमारा ये बी भी कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, जब बी भी कट जाएगा, बी भी कटना नहीं चाहिए, तो कट गया। देखिए यहाँ होंगे ए माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ होंगे सी माइनस ए, दैट इज आर एच एस। अब हम क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं नाइन, क्वेश्चन नाइन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन करने जा रहे हैं, गौर से देखिए आप लोग। इसमें है एक्स एक्स स्क्वायर और वाई जेड, यहां है वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, यहां है जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, इतना इक्वल हमको लाना है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और उसके बाद है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये प्रूव करना, अधिकांश प्रश्न देख रहे हैं कि हम लोग प्रूव ही करना है, तो चलिए और प्रोसीड करते हैं। तो एलएचएस में हम लोग करते क्या है, यहां क्वेश्चन लाने में कि आर वन में मल्टीप्लाई करते हैं, रो में लिखते हैं, इसमें सब में एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया एक्स आर वन। अब हम लोग आर टू में मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई से, तो वाई आर टू, और आर थ्री में कर देते हैं जेड से, जेड आर थ्री। अब हम इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारा एलएचएस, तो एलएचएस हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यू और एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड क्यू, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो अब हम लोग अब इसको क्या करते हैं, यहां से जब हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई किए वाई से किए जेड से किए, तो एक बात यहां ध्यान हमेशा रखना है, यहां जो है वन बाई एक्स वाई जेड से डिवाइड जरूर करें, जब इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किए एक्स से डिवाइड, वाई से मल्टीप्लाई किए वाई से डिवाइड, जेड से मल्टीप्लाई किए जेड से डिवाइड। तो फाइनल हमारा आया वन बाई, इसको यहां नीचे लिख सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं, तो वन बाई एक्स वाई जेड, और पूरा में से जो है हम एक्स वाई जेड कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा फाइनल, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां एक्स क्यूब वन, यहां हो गया वाई स्क्वायर वाई क्यूब वन, जेड स्क्वायर जेड क्यूब वन बच गया। अब हम ये कट गया, तो क्या करते हैं कि लिखते हैं हम लोग, देखिए ये हो गया, तो C1 पर लिखेंगे, तो C1 माइनस C2, फिर C2 पर लिखेंगे तो C2 माइनस C3, तो यहां हो जाएगा हमारा फाइनल क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर अब हो गया जेड स्क्वायर, यहां पर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू
अब इसमें ही घटाइएगा तो हो जाएगा वाई क्यू माइनस जेड क्यू, और जेड क्यू यहाँ रख जाएगा, और यहाँ ई में घटाइए तो जीरो, ई में घटाइए जीरो, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए फर्स्ट वाले से इसमें से हम लोग एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो, और इसमें से पूरे में से वाई माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई सब क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो यहाँ बच गया हमको एक्स प्लस वाई। और ए क्यू बी क्यू में से यदि हम लोग के आधार पर एक्स क्यू वाई क्यू से तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ तो जीरो है नहीं। इसी प्रकार से इसमें हम लोग यहाँ जब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में वाई मैंने जेड कॉमन लिया तो वाई प्लस जेड बचेगा, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर और हो जाएगा वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर जीरो, यहाँ बचेगा बचेगा यहाँ जेड स्क्वायर, ये हो गया जेड क्यू वन। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस कॉलम के अकॉर्डिंग सोल्व कर देते हैं। तो जब सोल्व कीजिएगा तो देखिएगा कि ये हो गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और इसको सोल्व करेंगे तो ये पूरा वन, ये पूरा वन, तो फाइनल हमको इसको सोल्व करना होगा। तो अब इसको देखिए सोल्व कर ले रहे हैं तो x प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और इसमें घट जाएगा देखिए इसको मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब देखिए हम लोग इस प्रकार से अब जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, यहाँ हो गया एक्स माइनस वाई, यहाँ हो गया वाई माइनस जेड, अब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, इससे करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई जेड, इससे करेंगे तो हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर। अब हम y से करते हैं तो वाई क्यू, अब इसमें करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड, अब इससे करते हैं तो हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर, और इसी प्रकार हम y से गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ जो होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, अब इससे इसमें करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अब इससे इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस वाई क्यू। अब हम लोग जेड से करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर जेड, अब माइनस हो जाएगा एक्स वाई जेड, अब इससे इसमें करते हैं तो माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड। अब इस प्रकार देखिए अब इसमें क्या होगा, वाई क्यू ये वाई क्यू कट गया, एक्स वाई स्क्वायर तो कहीं पे है एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर देखिए तो ये प्लस ये माइनस कट गया, अब एक्स वाई जेड कहीं देखिए एक्स वाई जेड है माइनस में कट गया, और एक्स जेड स्क्वायर कहीं पर है माइनस में जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर नहीं है ठीक है। वाई जेड स्क्वायर देखिए यहाँ वाई यहाँ हो गया वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड, ये दोनों कट जाएंगे। अब मैं समझता हूँ कि नहीं कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला है तो देखिए एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और यहाँ जो है बच्चा है एक्स जेड स्क्वायर, तो इसका यहाँ देखिए पॉजिट में ले लेते हैं एक्स स्क्वायर जेड, एक पॉजिटिव लेंगे तो एक यहाँ से हमको निगेटिव लेना होगा, और इसी तरह से वाई जेड स्क्वायर ये लिया तो यहाँ से उठा लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ से ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई ले लिया। अब देखिए तो ये हमारा एक्स माइनस वाई y माइनस जेड, और इसमें से हम क्या करते हैं कि एक्स जेड कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या बचेगा जेड माइनस एक्स बचेगा, और इसमें से हम प्लस y कॉमन ले लेते हैं तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब आगे जो है x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और यहां बच गया करीब करीब हम लास्ट में ही है एक्स जेड कॉमन, तो यहाँ तो देखिए हम लोग जेड माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा एक्स जेड, और यहाँ बचेगा वाई इंटू जेड प्लस एक्स। तो अब हम लोग देखिए लास्ट तरफ प्रोसीड कर रहे हैं
एक्स माइनस वाई, ये हो गया वाई माइनस जेड, ये हो गया जेड माइनस एक्स। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड हुआ, वाई जेड हुआ, ये हो गया एक्स वाई। इसी को हम लोग चाहेंगे तो सरिया करके जो है सिंप्लीफाई में से लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दैट इज आंसर हम लोग कर दिए, ये हो गया दैट इज आर एच एस। तो हम लोग आज यहीं तक करें पूरा, हम लोग इसको के आगे जो सोल्व क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग यहीं पे इस क्लास को समाप्त करना चाहते हैं, और यदि हम चाहते हैं कि हमारा ये क्लास आपको सबसे पहले मिले तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।